पुलिस थाना गुड़ायंडला टीम की कार्यवाही। पाली जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल मोस्ट वांटेड 5000 रुपए का इनामी अभियुक्त हिमाराम गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक पाली श्री राजन दुष्यंत के निर्देशन में सीओ सोजत सिटी शो सोजत रोड व शोभागढ़ी नगर व टीम की कार्यवाही। दिनांक 1 मार्च 2022 को ग्राम सिंगला में वृद्ध महिला की हत्या का पर्दाफाश, मुजरिम गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक पाली श्री राजन दुष्यंत के निर्देशन में थाना रायपुर पुलिस टीम की कार्यवाही। दिनांक 2 मार्च 2022 को ग्राम बर में वृद्ध महिला के साथ हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश, 03 मुलजिम गिरफ्तार। नाडोल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया शिवावतरण दिवस। नाडोल पाली नाडोल कस्बे में अंबाजी नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नए सेंटर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा सादड़ी के तत्वाधान में महाशिवरात्रि पर्व पूर्व शिवतरण दिवस हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ का पाली जिला अधिवेशन सम्पन्न हुआ। श्री आशापुरा माताजी मंदिर नाडोल में अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ का जिला स्तरीय अधिवेशन संत कैलाशपुरी जी महाराज, बिलेश्वर महादेव देसूरी, जगदीश जी महाराज, गादीप्ति चाणक्य आश्रम पाली एवं दादाई गौशाला अध्यक्ष राधा कृष्ण साथी जी के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के प्रदेश प्रभारी राजस्थान मोहन सिंह राज पुरोहित ने बताया कि सम्मेलन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने एवं गुजरोरण को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन रखा गया था, जिसमें देसुरी प्रधान प्रतिनिधि एवं समाज सेवी अमृत सिंह राज पुरोहित, देसुरी सरपंच, संघ अध्यक्ष घाण राव सरपंच, चंद्रशेखर मेवाड़ा नाडोल सरपंच, प्रतिनिधि गुलाब सिंह राज पुरोहित, दादाई सरपंच, प्रतिनिधि पृथ्वी राज सिंह राज पुरोहित, सुमेर सरपंच, सोहनलाल जांगिर आदि मौजूद। राज्य पशुधन विकास बोर्ड के नवनियुक्त सदस्य रतन जनवा का किया स्वागत। राकेश चौहान बाली राजस्थान सरकार द्वारा बाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रतन जनवा को राज्य पशुधन विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बाली ब्लॉक कांग्रेस सेवादल तथा कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जनवा को साफा व मालाएं पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया।